पर बात करती हूँ और आइए हम आराधना से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 तथा यीशु हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, आपने हमें समय और वक्त दिया प्रभु ताकि हम आपकी महिमा कर सकें, इसलिए हम धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद और इतने लोगों को प्रभु आपने अपनी भूमि में एकत्रित किया प्रभु ताकि हम आपकी महिमा आराधना में आज कर सकें, और प्रभु जितने लोग अभी नहीं आ पाए तो रास्ते में प्रभु उनकी भी सहायता और अगुवाई करना मेरे परमेश्वर, उनको भी प्रभु अगुवाई कीजिए प्रभु ताकि वे आपकी महिमा में प्रभु शामिल हो सके। ईश्वर आपकी इच्छा आपकी मर्जी हम मनुष्य में होने वाली हो सकते हैं, तमाम बातों को और आराधना को आने वाले सारे समय को आपके हाथ में ये बता पड़े और हम सबसे धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से। मैं एक वचन पढ़ूंगी इफिसियों 5:15-16-17। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें बहुत टाइम से आशीष दे। इसमें लिखा है कि ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। हमें परमेश्वर निर्बुद्धि नहीं बल्कि बुद्धिमान बनाना चाहता है, तो हमें परमेश्वर में जब हम आते हैं तो हमें निर्बुद्धि अपने आप को निर्बुद्धि साबित नहीं करना है। हमें परमेश्वर ने इतनी तो बुद्धि दी है ना कि हम परमेश्वर के आगे किस प्रकार से जाएं, कैसे परमेश्वर की आराधना करें, कैसे उनकी सत्संगति को अपने बीच में बढ़ाएं। और नीचे लिखा है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हर दिन आप सब जानते हैं हर दिन कितने अपराध पाप चल रहे हैं संसार में, पर परमेश्वर ने कहा है कि अवसर को बहुमूल्य जाना। आज परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम उसकी महिमा कर सके, अपने आप को उस परमेश्वर के आगे समर्पण कर सके, इसलिए यही समय दिया है परमेश्वर ने। और इस कारण निर्बुद्धि में हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हमें सिर्फ यही देखना है संसार में, संसार की लोभ लालच में वो माया में नहीं फंसना है, परमेश्वर के वचन की खोज करनी है और ये देखना है कि परमेश्वर ने हमें किसने चुना है और उसकी इच्छा क्या है। हालेलुया। तो आइए हम इसे परमेश्वर की महिमा करते हैं जिसने हमें रचा है, उसके लिए गीत गाएंगे हम आज का दिन भगवान ने बनाया है। Oh,
चिंताएं परेशानियां जो भी हमारे जीवन में तकलीफें हैं वो सब हमें दूर करनी है किसके नाम से सिर्फ प्रभु यीशु के नाम से हालेलुया वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है अभी हमने गीत में भी गाया कि चाहे जहां भी रहूं बस उसी का ध्यान हमारे अंदर होना चाहिए और हम उसको भाने चाहिए क्या हम ऐसा अपना जीवन करते हैं उस परमेश्वर के लिए हम चर्च में होते हैं जब तक तो हम परमेश्वर की आराधना करते हैं उनका स्मरण करते हैं अपने आप को इतना पवित्र दिखाते हैं पर क्या संसार में जाकर या चर्च से बाहर जाते हमारा जीवन क्या है आप अपने जीवन को परखे क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को हमारे जीवन को जानता है हमें दिखावटी जीवन नहीं जीना है जैसे हम यहाँ पर हैं वैसे हमें बाहर भी होना है हालेलुया सिर्फ प्रभु यीशु के नाम में आपका जीवन बदल सकता है तो आप उस परमेश्वर से दुआ करें उस परमेश्वर से कहें कि पहने दे उन आशीषों को प्रभु जिनसे हमारा जीवन बदल सकता है उन आशीषों को आप बहाएं मेरे परमेश्वर जिनसे प्रभु हमारी आत्माएं बदलती हैं मेरे परमेश्वर ओ प्रभु हम धन्यवाद आइए हम सभी उस परमेश्वर के सम्मुख चलें और उसको अपने आप को सौंप दें धन्यवाद पिता यीशु धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु सच है आपने प्रभु मुझे चुना प्रभु मेरा बेटे हर व्यक्ति को चुना है इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारा जीवन बदलने के लिए प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु दिखावटी जीवन नहीं पिता केवल स्वर्गीय जीवन जीना चाहते हैं मेरे परमेश्वर
संसार का हर एक वस्तु हर एक चीज प्रभु हमारे जीवन से दूर हो जाए प्रभु
पर तू हमारे सेवा से कभी दूर ना होगा मेरे प्रभु। प्रभु संसार के प्रेम से बढ़कर प्रभु तेरा प्रेम है मेरे परमेश्वर। प्रभु संसार का प्रेम एक ना एक दिन प्रभु हमें त्याग देगा प्रभु, पर तेरा प्रेम प्रभु हमें कभी ना त्यागेगा प्रभु और कभी ना छोड़ेगा प्रभु। सच में प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु इस गहरे प्रेम के लिए मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे प्रभु कि प्रभु आपने अपनी संगति में अभी तक हमें बनाए रखा है प्रभु और हमारे विश्वास को अभी तक मजबूत रखा है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे के समय में पिता आप हमारे मजबूत को और दृढ़ और अटल बनाइए प्रभु, ताकि प्रभु बड़ी आंधी आने से बड़ा तूफान आने से प्रभु हमारा विश्वास न टलने पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु हम डट कर प्रभु हर एक परेशानी का प्रभु मुकाबला करने पाए मेरे पिता, सामना करने पाए मेरे परमेश्वर, इसलिए प्रभु आप सहायता करना मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु, प्रभु लोगों की हर एक परेशानियों को प्रभु यीशु के नाम से निकालती हूँ मेरे परमेश्वर, तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम से यीशु के नाम में इनकी बीमारियों को दूर करती हूँ मेरे परमेश्वर, इनके संकटों को दूर करती हूँ मेरे परमेश्वर, इनके परिवार में जो भी दिक्कतें हैं प्रभु उनके सभी को आपके नाम से दूर करती हूँ प्रभु। ओ प्रभु जो अविश्वास में है प्रभु उनका विश्वास होने के लिए प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। ओ प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु आराधना को प्रभु आप कहें करना मेरे परमेश्वर, प्रभु सिर्फ आपको ये महिमा बहाने पाए मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु मैं तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपती हूँ, जितने भी आए हैं प्रभु उन सभी को प्रभु आप अपनी आशीषों से भरना प्रभु, प्रभु को खाली हाथ ना जाए आपके भवन में से मेरे प्रभु, बल्कि आपकी आशीषों को लेकर जाने पाए मेरे परमेश्वर। मैं तमाम बातों को प्रभु आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु, तमाम बातें आपके हाथ में रखती हूँ, सिर्फ आपकी महिमा बढ़ाए प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। सुने आप सभी को जय।